वालेकुम दोस्त, मैं आपका दोस्त नियामत अली उर्फ परेशान अन्ना। टीटीवी स्पेशल प्रोग्राम हार्ट बीट में आप सबका वेलकम है। बोल के ऐसा मैं पूरा हमेशा बोलते रहते थे, ये हार्ट बीट नहीं होता, ये स्टार ऑफ द वीक है। वो आदत हो जाते रहते ना जी मेरे को, क्या है बोले तो मंडे टू ट्यूसडे में खाली 8:30 9:30 खाली हार्ट बीट बोलते रहते है। वो पूरा जबान पे पूरा लग जाते है मेरे को, ऐसी चो जाते। तो ये स्टार ऑफ द वीक है। बोले तो स्टार ऑफ द वीक में बहुत जबरदस्त ऐसा पर्सनालिटी हमारे पास शो में आते, ये शो का चार चांद लगा देते और स्टार इतना स्टार लगा देते हैं शो पे आके, क्या पूरा लाइट्स भी काम को नहीं करना, उतना स्टार आ जाते। बोले तो पूरा वीक का स्टार, बोले तो बहुत जबरदस्त स्टार। वो ऐसा स्टार मेरा स्टूडियो में मौजूद है, उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग करे और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग भी लिखते हैं और बहुत अच्छा डायलॉग्स भी बहुत अच्छा लिखते रहते हैं। वो राइटर भी है और एक्टर भी है। और मैं क्या है बोले तो एक टाइम पे मैं बहुत उनको फॉलो करते रहते फिर उसके बाद मेरा कुछ नसीबी यह है कि आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहे थे। बहुत कुछ नसीबी की बात है ये। तो बहुत ज्यादा बकबक नहीं करने से पहले जल्दी मैं आप लोग को बोल देते कि वन एंड ओनली द फहीम उल हक साहब का स्वागत है स्टार ऑफ द वीक में। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसा है सर? अच्छे है। परेशान है? परेशान काय को है जी? परेशान अन्ना के साथ बैठे हुए तो परेशानी ही रहते है। आयो परेशान माई रही ना, पूरा लोग को मालूम छे परेशान माई रहते बोल के। आज मैं थोड़ा ऐसा हाथ कांप रहा है मेरा। अरे कांप हमारा कांपना, एक्चुअली मेरे हाथ कांपना चाहिए क्योंकि इतने टैलेंटेड इंसान के साथ बैठा हुआ हूँ मैं। तो आपका कैसा कांपता हाथ? मैं क्या है बोलता, मैं बचपन से थोड़ा फॉलो करते रहते ना, तो उनके वीडियोस देखते रहते, मैं उनको देख के कुछ एक्टिंग सीखे, मैं भी थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेते बोलते। कौन हमारे फायुमल हक साहब? आपका ही बोल रहा मैं, जिसको देखते रहते मैं। आज उन्होंने मेरे स्टूडियो में आए, वो तो थोड़ा बहुत मैं ऐसा सेवरिंग हो रहा है। भाई से इज्जत, भाई से शर्फ है कि आप अपने इस प्रोग्राम में मुझे मधु किए। मधु कौन है ना को पूछो आप? मधु बोल रहा हूँ। मधु बोले तो मधु बोलते, दावत देने को बोलते। आप अपने इस प्रोग्राम में मुझे मधु किए। अच्छा हाँ, मधु करना बोलते इसको। आप लोग भी मधु नको समझो, किसी मधु को नहीं जानता मैं, कसम खुदा की। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे शो में आकर चार चांद लगा दिया। चार लगाए? छह, 1 2 3 4 5 6 पूरा चांद बोला तो पूरा ऐसा चांद आए, पूरा स्टूडियो में पूरा रौनक आ गए। थैंक यू सो मच, थैंक यू पूरे व्यूअर्स टीटीवी उर्दू के। आई होप कि आप लोग इस कन्वर्सेशन को एंजॉय करेंगे। परेशान अन्ना तो है ही परेशान, मैं भी कोशिश करूंगा कि थोड़ी बहुत परेशानी अपने ऊपर लेकर आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं। जी परेशान तो स्टार्ट में आपसे यह करना चाह रहे कि आपका स्कूलिंग और कॉलेज कहां से हुआ है सर? अब वो तो पुरानी बात हो गई ना, स्टार्टिंग वहां से मैं आते हैं थोड़ा थोड़ा। स्कूलिंग देखो, स्कूल था जी कुछ, क्या क्या अच्छा नाम था स्कूल का, अंग्रेजी नाम था। अच्छा सेंट पॉल्स हाई स्कूल। अच्छा हाँ, हैदरगोड़ा में सेंट पॉल्स हाई स्कूल, मिशनरी स्कूल, वहां से स्कूलिंग हुई। अच्छा ये कॉलेज आपका? कॉलेज निजाम कॉलेज। निजाम कॉलेज? निजाम नहीं जी, निजाम कॉलेज। निजाम कॉलेज? निजाम कॉलेज। वो पूरा प्रॉब्लम ना जी मेरे को बोलने, मेरे को सही नहीं आते। निजाम कॉलेज? निजाम कॉलेज से मैं फिर बीए किया। बहुत जबरदस्त। तो आपका हॉबीज आप थोड़ा मेरे को बोलेंगे तो अच्छा रहते। देखो हॉबीज ऐसा है, वक्त के साथ हॉबीज जो है वो बदलते रहते, जरूरी नहीं है कि एक ही हॉबी में इंसान सारी जिंदगी गुजार दे। वक्त के साथ उसके अपने शौक बदलते रहते हैं। बचपन में क्रिकेट का शौक था क्योंकि मेरे वालिद साहब खुद क्रिकेट कोच है, शायद आपको पता भी हो, काफ़ी अपने व्यूअर्स को पता है कि मेरे वालिद साहब अजहरुद्दीन के कोच रह चुके हैं और काफ़ी क्रिकेटर्स जो हैदराबाद से निकले हैं उनको कोचिंग की है मेरे वालिद साहब ने। तो बचपन में उसका शौक था। अच्छा। फिल्मों का इसलिए था कि मेरे जो चाचा है जी, वो सबसे पहले म्यूजिक रिटेल इंडिया में लेकर आए थे। अच्छा। संगीत सागर नाम की दुकान जो बशीरबाग की सबसे पुरानी दुकान है वो मेरे चाचा ने स्टार्ट की थी 1977 में। अच्छा। तो उनके थ्रू थोड़ा फिर गानों का शौक उठा, गाने सुनने का शौक, पुराने गानों का, तो वो शौक हुआ। और उसके बाद जैसे जवान हुए तो शौक
समझ रहे हैं ना, पब्लिक के सामने तो नहीं बोल सकते ना। तो यानी कि हॉबीज आपका क्रिकेट भी है और गाना सुनने का, गाना सुनने का बेसिकली, गाने सुनने का बेसिक शौक है बेसिक। फिर उसके बाद लिखने का शौक उठा। हाँ, लिखने का शौक बोलता मेरे को भी आप पूछना बहुत बोल के बहुत है और अपने व्यूअर्स को भी बताना बोल के है। तो आप कहाँ से और फर्स्ट कैसा लिखने का शौक स्टार्ट हुआ आपका? वेरी टेंडर एज, मेरे ख्याल से मैं हार्डली 8-10 शायद गालिबन 8 या 10 साल का था मैं। हाँ, तो मैं पढ़ता बहुत था इब्ने सफ़ी, और देखिए पढ़ते तो बहुत लोग हैं, इब्ने सफ़ी आपने सुना है ना? या उर्दू लफ्ज़ है? उर्दू लफ्ज़ नहीं है, उर्दू आदमी का नाम है, इब्ने सफ़ी राइटर का नाम है। राइटर का नाम, इब्न बोलते बेटे को। अच्छा। इब्ने सफ़ी के नाम से मशहूर हुए एक राइटर, जिनकी एक किताब आती थी जासूसी दुनिया, जासूसी दुनिया, बर्रे सगीर बोले तो मालूम? वॉइस नहीं मालूम जी। बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट को बोलते हैं। अच्छा। जहाँ पर इंडिया पाकिस्तान अपना है ना, बांग्लादेश, इसको सब कॉन्टिनेंट को उर्दू में बर्रे सगीर कहते हैं। अच्छा। तो इस बर्रे सगीर के सबसे बड़े राइटर इब्ने सफ़ी को पढ़ता था, सिर्फ पढ़ता नहीं था बल्कि उनके लिखे हुए चीजों को याद भी करता था और कोशिश करता था कि उनसे मैं खुद भी कुछ लिखूं इंस्पायर्ड होकर। तो बहुत कम उम्र से मैंने लिखना शुरू किया। ये पूरा आप उर्दू में लिखते थे? मुफलिसी तो नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे नानी की एक दुआ थी। अच्छा। नानी बोलते थे अल्लाह गुलाम बना दे, गुलाम की शक्ल न दे। अच्छा। हाँ, तो मैं शक्ल तो नहीं मिली, अच्छी मिल गई, तो इसलिए फिर वो गुलामी मिल गई, जैसे नौकरी की है ना, तो उसको गुलामी कहते हैं ना नौकरी जो की। तो मुफलिस तो नहीं कह सकता। तो शौक ने उर्दू पढ़ना तो सिखा दिया पर लिखना नहीं सिखाया, तो मैं अंग्रेजी एंग्लो उर्दू में लिखता हूँ। अच्छा। तो उर्दू बोलते के कितना मिट्टा शब्द, आगे देखो उर्दू बोलते के उर्दू लफ्ज में जितना मिट्टा है, मिठास है। तो आप जब उर्दू लिखते हैं तो आओ पूरा खूबसूरत भी बन जाते, और आप जो शेर शायरी भी लिखते रहते ना जी, जी। मैं भी थोड़ा बहुत आपके बारे में नॉलेज थोड़ा ले लेके आया जी, जी। तो आप जब उर्दू लिखते है तो शेर शायरी भी लिखते है, तो आपके आवाज में वो शेर शायरी अगर बोल दिया तो बहुत ही खूबसूरत हो जाते वो लफ्ज भी। चलिए एक खिता सुनाता हूँ। खिता पता है किसको बोलते? खिता बोलता शायरी तो आपने सुनी होगी, फिल्मों में भी काफी मैंने बोला है, मेरे अपने नाज़रीन भी जो देख रहे हैं, नाज़रीन हमारे वो लोग भी जानते हैं कि मैं उर्दू की फिल्मों में ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि कहीं ना कहीं शायरी कहूँ। खिता कहते हैं कि एक किस्सा जहाँ पर आपका रदीफ और खाफिया मिले, जो सेंटेंस के आखिरी वर्ड्स होते हैं रदीफ और खाफिया कहते हैं इंग्लिश में, राइमिंग बोल के, राइमिंग एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब वो मिलते हैं और आप एक किस्सा सुनाते हैं उसको कहते हैं खिता। खिता। बचपन में हम लोग खैरताबाद में रहते थे, और पुराने लोगों को पता है कि एक थिएटर हुआ करती थी शाम थिएटर, वहाँ पर नई फिल्में वहाँ आती थी, और उसके बाजू के थिएटर थी रीगल थिएटर, वहाँ पर पुरानी फिल्में लगती थी। तो वहाँ जाने के लिए कब्रिस्तान पार करके, कभी अगर शॉर्टकट लेना है तो कब्रिस्तान को पार करके जाते थे। रात का वक्त था, सेकेंड शो देखकर, अब तो इतने सारे शोज हो गए, पहले तो खाली 4 शोज होते थे, मॉर्निंग शो, मैटनी, फर्स्ट शो एंड सेकेंड शो। अच्छा। सेकेंड शो देखकर मैं कब्रिस्तान से जा रहा हूँ, एक हड्डी से ठोकर खाई, तो उसके ऊपर एक खिता सुनी आप भी। अच्छा। सैर करने हम चले थे रास्ते में शमशान था, आगे कब्रिस्तान थे, एक हड्डी से हमने ठोकर खाई, हड्डी ने कहा देख के चलो भाई, हम भी कभी इंसान थे। वाह क्या बात है, बहुत जबरदस्त बोले। हड्डी ने भी कहा कि हम भी कभी इंसान थे, देख के चलो भाई। ये वाकया हुआ है, हुआ तो उसके ऊपर ये तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं क्या करते हैं, पहले हमारे एक कॉलर को ले लेते हैं और उनसे भी हम बात करेंगे, और उनसे भी हम लोग क्या चाह रहे क्या नहीं वो क्या हम पूछ लेंगे, ठीक है? जरूर। तो देखेंगे। हेलो, सलाम अलैकुम। खैरियत भैया? भैया का नाम क्या है? उबेद भाई। कैसे है, अच्छे है? अच्छा शो देख रहे भैया? मैं मस्त है, एकदम जबरदस्त है, फर्स्ट क्लास है भैया। तो हमारे उबेद भाई आप ऊपर से कॉल कर रहे हैं? नहीं, वैष्णव जी भैया बोर्ड उपल उपल एक ही छा ना। तो उबेद भाई हमारे शो में स्टार ऑफ द वीक में एक बहुत ही जबरदस्त गेस्ट आए, और एक्टर भी है राइटर भी है, आप उनको
मूवीज में देखे और यूट्यूब में हाला में एक हैदराबाद डायरीज में एक बहुत ज्यादा जबरदस्त एक रोल भी करा है भैया, बहुत अच्छे है, सीनियर एक्टर है, उनका नाम है फयूम उल हक, बहुत अच्छे राइटर भी है और एक एक्टर भी है, आप उनसे सलाम और दुआ बात करिए। वालेकुम सलाम, खैरियत से उबैद जी, क्या करते हैं आप? माशाल्लाह क्रिकेट खेलते हैं, तो उसको करियर बनाने का इरादा है या फिर ऐसी शौकिया खेलते हैं? नहीं, नहीं। माशाल्लाह वेरी गुड, अल्लाह आपको कामयाब करे। कोई भी चीज अगर ठान ली है तो उसके पीछे मेहनत बहुत लगती है, लगे रहो, बहुत जगह धक्के लगते हैं। नजरुद्दीन के कोच थे अच्छा माशाल्लाह, वालिद साहब का नाम आपके? नाम खालिद। कहाँ? एलबी स्टेडियम में खेलते थे क्रिकेट वो? अच्छा, नहीं तो आप प्रैक्टिस कहाँ करते थे? एलबी स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे? वालिद साहब आपके एलबी स्टेडियम में प्रैक्टिस करते थे? अच्छा अच्छा, मेरे वालिद साहब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए थे और उन्होंने लाल बहादुर स्टेडियम में कोचिंग करते थे। अब तो रिटायर्ड है, घर में ही रहते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच उबैद भाई, आप कॉल करें और हमारे स्टार ऑफ द वीक फयूम उल हक साहब से भी बात करें, बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसी शो देखते रहे, थैंक यू सो मच भैया, अल्लाह हाफिज। तो ये हमारे रेगुलर कॉलर है अच्छा उबैद भाई, जो हार्ट बीट में कॉल करते रहते हैं और मेरे से सॉन्ग्स भी डेडिकेट कराते हैं और सुनते भी अच्छा, रहते हैं। माशाल्लाह। तो ये राइटिंग की दुनिया के बाद में जी, आप एक्टिंग में कैसा इतना जल्दी आए, वो तो कब स्टार्ट करे आप एक्टिंग? एक्टिंग में मेरी दिलचस्पी नहीं थी, नहीं थे, आई नेवर वांटेड टू एक्ट इन लाइफ, मैं कभी एक्टर बनने की ख्वाहिश नहीं थी। अच्छा, राइटिंग में खुश था और वैसे राइटिंग में भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया था, मैं कोई कुछ करा नहीं था, मुलाजिमत कर ली बाद में, पढ़ाई तालीम खत्म करने के बाद म्यूजिक वर्ल्ड में नौकरी कर ली। अच्छा जी, वन ऑफ दी बिगेस्ट रिटेल स्टोर था, काफ़ी लोग जानते हैं जो 2009-12 तक अगर हैदराबाद में हैं तब से या फिर पहले से हैदराबाद में, तो लोग जानते हैं कि बंजारा हिल्स में एक दुकान हुआ करती थी म्यूजिक वर्ल्ड, तो उसका मैं बिजनेस हेड हुआ करता था, तो वहाँ पर नौकरी थी और यहाँ पर हमारे आर के भाई, अजीज़ नासिर सब आते थे, तो उस दौर में हैदराबाद नवाब और फन और मस्ती जो साजिद भाई की पहली फिल्म वो गुल्लू भाई का जो आई बॉल का जो मूवी था फर्स्ट मूवी था, उसके बाद वो मामा प्लान कर रहे थे थ्रिलर में काफी हमारी मुलाकात होती थी, तो ये चांस मामा ने दिया, तो थ्रिलर में वो एक कैरेक्टर था, एक डेकोइट का कैरेक्टर था उसमें, उसमें एक डायलॉग भी बड़ा मशहूर हुआ था, वो लड़की बांधी हुई होती है और कुछ लोग उस पर झपटना चाहते हैं मेरे जो हेंचमैन होते हैं, तो मैं उनको रुका कर कहता हूँ कि बेटे जब शक्कर का थैला खुला हो तो उसमें मुंह नहीं मारते, फांगते बेटे फांगते। तो उसके बाद मैं वो मोहतरमा को चाटता हूँ, तो काफ़ी विकुटरमरिक थी, मुँह को शायद लगी हुई, तो आज तक भी ज़रा हाजमा ठीक नहीं हुआ। तो ये जो आप फर्स्ट मूवी आपका थ्रिलर आए जी, फिर जो म्यूजिक वर्ल्ड में आप काम करते हुए ये एक मूवी एक करे जी, तो म्यूजिक वर्ल्ड से ही एक चीज मैं आपको बोलना चाह रहा है जी, के कौन सा भी एक गाना आपको मैं बोले पुराना, तो आप नाम के साथ डायरेक्टर के साथ म्यूजिक डायरेक्टर कौन है सिंगर कौन है बोल के ऐसा बोल देते बोल के ऐसा मैं सुने, क्या वो सही है क्या? देखिए बात तो सही है, लेकिन एक तो क्या है वो जवानी थी, अब उम्र काफ़ी हो गई है, अब इसमें मत जाइए आप, वो एक्टर है तो कभी बाप बनना पड़ता, कभी उसी लड़की का बेटा भी बनना पड़ता। अच्छा, ये इंडस्ट्री है, तो कोशिश करूँगा। वैसे बात सही है कि एक तो शौक रहा है मेरा, 1932 से मेरे पास भी कलेक्शन है, 1932 से ऑलमोस्ट मेरे पास 10,000 से ज़्यादा LP रिकॉर्ड है मेरे पास, और ऑलमोस्ट 80s तक तो पूरे गाने हैं शायद, तो कोशिश करूँगा। पूछिए सवाल। एक पुराना सॉन्ग मैं पूछता है जी, वो गाना है राहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, गा के सुनाओ ना, परेशान है ना, ये टन में गा के सुनाए तो अपना पब्लिक भी खुश होते, थोड़ा दो लाइन गाते करेक्ट।
राहें मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। क्या बात। राहें मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। क्या बात। आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। थोड़ा ऐसा आव। बहुत अच्छे, टू गुड, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। ये सिंगर कौन है, लिरिक्स कौन, वो म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? रफी साहब ने इसे गाया था, दोस्ती फिल्म थी, राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म थी ये। राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म थी जिसमें एक दोस्त लंगड़ा होता है और एक अंधा, बहुत मशहूर स्टोरी हुई थी और बहुत बड़ी हिट भी थी फिल्म। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ये फिल्म दूसरी थी, पारसमणि के बाद उन्हें ये फिल्म मिली थी दोस्ती, जहां से बहुत बड़ा नाम हुआ। फिर पूरी दुनिया जानती है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आगे चलकर कितना काम किया। तो ये एक रफी साहब का एक किस्सा इसके साथ बोला जाता है कि जब पैसे नहीं थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास उनको देने के लिए, तो उन्होंने इसके लिए सिर्फ 1 रुपया लिया था और उन्होंने ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए गाया था। साइंस होने में खाली गाने का नाम बोलते कि पूरा डिटेल्स ऐसा जिट 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 गूगल कर ऐसा पूरा बोल दिया साइंस होने में। ऐसा नहीं, वो मेरा एक जमाने में जरिया मुआश था। जरिया मुआश समझते हैं? जरिया बोला था मैं, जरिया बोले तो सोर्स, मुआश बोलते खाना। अच्छा। तो सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था मेरा। अच्छा। तो नेचुरली जो चीज मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे मैं अपना पेट, अपने घर वालों का पेट भर रहा हूँ, तो नेचुरली वो नॉलेज जरूरी है। बहुत खुशी हुई मेरे को कि आप इतना कुछ मेरे को बोले और मेरे को भी सीखने को मिला। तो मैं आपको यह पूछना चाह रहा है कि आपकी जो फर्स्ट फिल्म आई थी थ्रिलर, उसमें आपका कैरेक्टर आपको कैसा लगे, और जब थिएटर में आप देखने के बाद में पब्लिक लोग को कैरेक्टर वो कैसा लगे, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस मेरे को बोले। एक बहुत बड़ा अलमिया है, अलमिया समझते हैं? पूरा अलमारी नहीं जी, अलमिया बोल, अलमिया बोले तो आयरन ही अंग्रेजी में। अच्छा। छोटी कम उसमें बोले तो सितम जरीफी, वो भी ज्यादा ही हो जाता, वो भी ज्यादा हो जाता। तो यूं हुआ कि मेरी हर फिल्म में मेरा जो गेटअप रहा है वो मेरे से मुख्तलिफ रहा है। मुख्तलिफ बोलते हैं? अलग अलग, टोटली चेंज, टोटली चेंज। तो लोग पहचानना तो नामुमकिन था, आवाज से अलबत्ता पहचानते थे, आवाज से पहचान लेते थे कि अरे ये वो शख्स है जिसने इस फिल्म में फलाना किरदार किया या उस फिल्म में फलाना किरदार किया। चेहरे से पहचानना मुश्किल है, अभी भी मुश्किल है, लोग जब तक फिल्म नहीं देखे नहीं पहचान सकते कि मैं बैठा हुआ हूँ। जिसने दिलावर का किरदार किया या फिर जबरदस्त में मूसा का किरदार किया, पहचानना मुश्किल है। आवाज से शायद पहचान ले कि ये फलाना फलाना है, तो लोग तो नहीं पहचानते थे। और हुआ यूं कि एक साहब से मुलाकात हुई, एक होटल में मुलाकात हुई, और साहब कहने लगे कि भाई आपने हैदराबादी फिल्म थ्रिलर देखी है क्या? मैंने कहा देखिए। अब मैं तो ये, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था कि मैंने भी उसमें काम किया है। तो मैंने कहा देखिए। तो बोले कि भाई आजकल देखो आप जो ट्रेंड आगे बढ़ रहा है, हमारे अपने लोग बॉम्बे से भी आर्टिस्ट को ला रहे हैं और उनको हैदराबादी फिल्म करवा रहे हैं। तो मैं बोला ऐसी कौन सी फिल्म है भाई जहाँ से बॉम्बे से आर्टिस्ट को ला रहे हैं? तो बोले थ्रिलर में देखो आप वो जो एक डाकू का किरदार है। अरे मैं बोला वो तो मैं हूँ, बॉम्बे कब गया था मैं आखिरी वक्त, वो भी आदमी है। तो मैं बोला आपको कैसा पता कि उन्होंने बॉम्बे के? अरे देख तो नहीं दिखता मियाँ, वो मेरा डायसेज था। नहीं वैसा नहीं, मैं जरा गलती से बोल दिया उन्होंने, अपने ठीक अपने। अच्छा। अरे क्या, अरे छोड़ो पलान, देखे तो मालूम नहीं होता। अच्छा। अलग समझ में आता आदमी हैदराबाद का नहीं होता बोल के। क्या बात कर रहे, देखे कैसा करा। अरे मैं बोला चिचा मेहरबानी करो मैं छू वो। तो इस तरह से होता था। और जब पहले जी शॉकिंग मतलब, क्योंकि लोग पहचानते नहीं थे। पहली बार जब पोस्टर लगा था तो मैं, अल्लाह सहद दे, बहुत फिर थोड़ा बीमार पड़ के ठीक हुआ अपना, अकबर बिन तबर जी जी जी, बहुत चाहता हूँ मैं तबर। फर्स्ट टाइम टोली चौकी से बोले कि भाई आप बैठो, आंख पे हाथ रखो, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो फिर ऐसा यू टर्न लिए और वहाँ पर जो रीति बोली के पास जो तरकारी की मंडी है ना जी, वहाँ पर आंख पे फिर हाथ हटा के बोले कि देखिए। तो पहली बार मैं अपना फुल साइज पोस्टर देखा था थ्रिलर का लगा हुआ। खैर वो एक्सपीरियंस अलग था, खुशी भी होती, किसे नहीं होती भाई, किसे शोहरत अच्छा नहीं लगता, किसे दौलत अच्छी नहीं लगती। तो बहुत अच्छा लगे मेरे को भी। फर्स्ट टाइम जब पोस्टर देखते तो वो जो खुशी होता अंदर से, बहुत अच्छा दिखता। तो हर लोग बोलते हैं कि आप भी आपके व्हाट्सएप के स्टेटस पे यही लगाते, मेरा आवाज मेरा पहचान, वो तो मेरा आवाज ही मेरा पहचान है।
तो माई एक टाइम क्या करे थे कॉपी कर लेके माई भी क्या करे पेश कर लेके माई भी बोले मेरा आवाज मेरा पहचान बोल के डाल दिया था ऐसा कॉपी करे जी माई कॉपी अच्छा करे बहुत सॉरी थैंकफुल टू यू फॉर कॉपी शुक्रिया तो आपका जो मूवी रिलीज होने के बाद में तो सेकंड मूवी आपका कौन सा था सेकंड मूवी फैमिली पैक फैमिली पैक साजिद भाई गुल्लू दादा के नाम से जो आप लोग जानते हैं उन्होंने ये किरदार दिया था दिलावर का जो कैरेक्टर जो मशहूर हुआ काफ़ी लोग जानने लगे और आज भी 10 साल के बाद भी लोग मुझे इसी नाम से इसी किरदार से जानते हैं दिलावर दिलावर वो जो बहुत नाम इतना हिट हो गया था दिलावर का वो जो डायलॉग है देखो मैं भी सुने थे वो ऐसे कैसे हो गए कैसे ऐसे ऐसे कैसे वो क्या है पूरा मिक्स है समझ नहीं आता मेरे को थोड़ा ऐसा बोले तो अच्छा रहता परेशान है ना आपको सुन के खूब हैरत होगी कि शूटिंग के दौरान ये डायलॉग नहीं था शूटिंग का दौरान जब शूटिंग चल रही थी तो ये डायलॉग मैंने नहीं कहा था जब हम लोग डबिंग कर रहे थे तो स्पेस आ रही थी मैं वो गुल्लू दादा से कुछ हीरे लेता हूँ उसके बाद फिर मैं सोफे पे इस तरह बैठ जाता हूँ आंखें ऊपर होती है मेरी तो जब कैमरा रोल बैक होता है तो लिप मूवमेंट नहीं हो रहा है नहीं हो रहे थे नहीं लगता लिप मूवमेंट नहीं लगता है तो उस वक्त उन्होंने कहा जो टेक्नीशियन थे कि यहाँ पर बहुत गैप आ रहा है आप कुछ बोलिए तो वहां पर मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए कैसे कैसे ऐसे ऐसे हो गए वाह साईं बोल रहे माए ये जो आवाज आई ना आपका ओफो ये आवाज ही आपका पहचान बोल के बोले जो डायलॉग जो बोल रहे थे ऐसे 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 कैसे कैसे हो गए कैसे कैसे हो गए कैसे 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 ऐसे 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 हो गए तो अब अपन एक कॉलर लेंगे कॉलर से भी बात करेंगे जी उनसे अपन क्या बोलेंगे हेलो वालेकुम सलाम आयशा जी कैसे अच्छे है ए मैं बोले ना जी अभी मैं क्या है बोलता एक बहुत बड़े स्टार के साथ बैठे हुए है तो उनका आवाज उनका पहचान है तो मैं आपको आप तो सुने कैसा भी वो क्या उनका आवाज ही उनका पहचान है तो मैं भी क्या है बोले तो आपका आवाज सुनते कि मैं आपका नाम बोल देते बोले जैसा अच्छा आयशा जी तो हमारे साथ फहीमुल हक साहब है जो स्टार ऑफ द वीक में स्टार है तो उनसे मैं इंटरव्यू ले रहे थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे हैं उनसे आप भी कुछ बात करिए प्लीज जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आयशा जी कैसे हैं आप हेलो वालेकुम सलाम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है मैं ठीक हूँ जी कुछ पूछना चाह रही है तो पूछिए कुछ अगर आप सवाल करना चाह रही है तो करिए जी क्या हुआ जी खाली मैं से बकबक बकबक करते रहते खाली मैं से बात करते रहते आज मैं स्टार को लेके आया तो कामुस बैठ गए क्या और मेरा स्टार्टिंग में मेरा भी बोलती बंद हो गए मालूम है ठीक है कोई बात नहीं थैंक यू आप कॉल करे और शो देख रहे मेरे को खुशी हुआ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द शो आयशा जी शो देख रहे बहुत खुशी हुआ मेरे को थैंक यू सो मच ओके तो ये हमारे आयशा जी रेगुलर कॉल करते रहते हैं अब क्या है स्टार से बात क्या बात करूं मैं थोड़ा बहुत ऐसा फर्स्ट टाइम माइक ऐसा हो गया समझ में भी आना ना भाई थोड़ा सही बात तो ये मूवी के बाद में जी. आपको इसके बाद कौन से मूवीज करे आप आमिर खान का हाल है अपना साल को एक फिल्म साल को एक फिल्म तो ये गुल्लू दादा फैमिली पैक जो करे आप उसके बाद में कौन सा मूवी 2010 में फैमिली पैक आई थी 11 में जबरदस्त जबरदस्त मूवी मूसा कैरेक्टर आजकल मेरे प्लॉट पे प्लॉटिंग चल रही बोल बहुत अच्छा वो सिगार लेकर जो आप उतरते क्या भैया क्या मंगे बीएमडब्ल्यू में से लोगों की ऐसा रहते लोगों की रहती अपनी रहती क्या नहीं वो तो गांव में जाते ना एक डायलॉग है देखो बहुत खा लिया मैं बिरयानी कबाब अब पप्पू चार क्या क्या बोलते हैं ना वो डायलॉग वो याद नहीं है मैं ऐसा सुना है वो याद नहीं है बस वो सलीम का के साथ जो सलीम फिगू के साथ था वो बस याद है आजकल मेरे प्लॉट पे प्लॉटिंग चल रही बोल तो ऐसा हाथ काटा जाए धोने का या खाने का खिला तो कोई भी देगा साला धुलाएगा कौन वो याद रहेगा बस मगर आप
इतना मूवीज करे है वो पूरा विलेन कैरेक्टर काय को करे है आप तो पूरा हीरो का लुक है या पूरा हीरो है पूरा विलेन के उस पे करे तो कैसा जी भैया? बहुत तकलीफ इतनी मतलब तकलीफ हो रही बहुत क्या पूछ लिए जी ये दर्द हो रहा ना नहीं वैसा नहीं अब जो रोल दिए वो करे भाई बोलता आप तो पूरा हीरो है ना तो हम हीरो आप बोल रहे हीरो मैं बोल लिया हीरो बच्चे बोलते हीरो प्रोड्यूसर बोलना ना ऐसा डायरेक्टर बोलना हीरो तो आपका जो अब कौन सा मूवी है जो हीरो का आया आपका सिया फिल्म आई थी सिया अगेन अजीज नासर डायरेक्टेड हिंदी फिल्म बनाई थी हम लोगों ने 2012 में रिलीज हुई वो फिल्म और ऑल इंडिया रिलीज हुई मुंबई में भी रिलीज हुई मुंबई में भी रिलीज हुई वो अगर पहले अगर बोलते तो मैं शायद आपको कुछ फोटोज शेयर करता जो आप अपने व्यूअर्स को बता सकते जो लोखंडवाला बांद्रा और हर जगह बसेस पे जो पोस्टर्स थे आके लगे थे ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई थी फिल्म माशाल्लाह बहुत फिर उसके बाद में आप झट से ऐसा गायब हो गए मिस्टर गायब के जैसा फिर इतना साल के बाद में फिर से आप इंडस्ट्री में ऐसा कायको ऐसा ये एक बहुत ही दुख भरी कहानी है थोड़ा शेयर करे तो मेरे को भी अच्छा रहता हाँ शेयर तो कर लेते उसके बाद फिर घर में जो है ना शेरनी जूते मारती फाड़ देती शेरनी घर की थोड़ा थोड़ा ऐसा हुआ कि उसमें कुछ सीन्स थे जो अच्छा समझ अब हीरो थे हीरोइन भी थी तो अब और मियां बीवी का किरदार था तो अच्छा। बच्चे तो यूं नहीं हो जाते ना तो वो थोड़ा समझ में नहीं आए घर वालों को तो हम एक शर्त रखी गई कि भाई आप फिल्में करेंगे या तो फिल्म्स या फैमिली तो मैंने कहा कि नहीं भाई फिल्म्स का भरोसा है नहीं फैमिली अच्छी है तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दिया मैं परेशान रहने की तरह क्यों बात कर रहा हूँ भाई मैं अच्छा खासा इंसान हूँ हैदराबादी बात करता हूँ तो फिर मैं वहाँ से कतर चला गया कतर में मैंने 5 साल नौकरी की वापस आया आने के बाद कुछ एक शोस कर रहा था फालतू बात नाम का एक शो आता था मेरा अच्छा फालतू बात सलीम भाई बहुत प्यारे आर्टिस्ट हैदराबाद के सलीम विलन के नाम से तो वो एक होस्ट वो गेस्ट होते थे और मैं होस्ट तो वेरियस टॉपिक्स पर हम लोग एक शो करते थे फालतू बात के नाम से अच्छा तो वो शो आ रहा था उसी असना में फिर एक वेणुगोपाल साहब जो डायरेक्टर है रुद्रा पटला वेणुगोपाल साहब उन्होंने कॉल किया कि वो फिल्म बना रहे थे प्यार कर ले जिसके हीरो थे चित्रम बादशाह तो उसमें एक विलन का कैरेक्टर वो चाह रहे थे कि मैं करूँ तो इस तरह से फिर पटरी वापस लग गई आकर अच्छा तो ये जो एक्टिंग है ये फैमिली बैकग्राउंड से ही आप करते थे या नहीं एक्टिंग फैमिली बैकग्राउंड से तो पूरी तरह से इनकार भी नहीं कर सकता पूरी तरह से हामी भी नहीं भर सकता हूँ मैं उसकी वजह यह है कि शौक तो शायद था होगा जैसे मैंने बताया कि मुझे जो शौक आया था गानों का हो या फिर फिल्मों की तरफ एक्टिंग तो खैर बहुत बाद में हुई तो वो मेरे चाचा से आया सलीम उल हक साहब से अच्छा तो कहते हैं कि उन्हें भी ऑफर्स आए थे पर वो किसी वजूहत से उन्होंने ऑफर्स नहीं लिए थे तो शायद वो खून में है तो खून बोलता कि मैं को भी एक कुछ सवाल पूछने का है आपसे मगर ये ब्रेक लेना पड़ता मेरे को ब्रेक लेने के बाद में मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं वो कैसा भी जवाब देना पड़ता अर्जेंट ब्रेक ले लो सख्त जरूरत है चाय की ठीक है ना तो व्यूअर्स मैं आपको यह बोलना चाह रहा है कि बहुत सारे ऐसे बातें हैं मैं फहीम उल हक साहब से बात करने वाला हूं मगर थोड़ा सा ब्रेक के बाद और जाइएगा नहीं आप लोग कड़े और ऐसा भी चाय वगैरह भी हम लोग भी पी लेते हो आप लोग भी पी लो जल्दी इलायची का चाय बना के ठीक है ना तो ब्रेक लेंगे आप ये ब्रेक